अब देखो, इनमें दो तरीके के स्कैम्स होते हैं। लोगों को एकदम चीप चिरकुट क्वालिटी का चाइनीज प्रोडक्ट पकड़वा देना ताइवान बोल के, या तो फिर उनसे ज्यादा पैसे ऐट लेना सेम प्रोडक्ट्स पर। दोनों चीजें होती है, डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े चूती हो। अगर हे गाइस, दिस समर्थ एंड आई एम बैक अगेन विद अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। और हाँ भाई, मुझे याद है अपने यूट्यूब अकाउंट का पासवर्ड। वैसे मैं लॉग आउट ही नहीं करता, मुझे याद है कि मेरा एक यूट्यूब अकाउंट भी है। और लाइफ में काफी ज्यादा ज्यादा जरूरी के काम चल रहे थे, इस वजह से इसके लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा। तुम्हारे भाई ने यार करीबन करीबन 1 लाख रुपए का पीसी बनाया है, उस पर बैठकर तो गेम ही नहीं खेल पाता। अच्छे अच्छे गेम्स होने के बावजूद साइबर पंक भी है, बिना हल्ला मचाए। फर्स्ट वन टू गेट साइबर पंक इन इंडिया, 18-year-old बॉय। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो मेरे सबसे प्यारे चहीते टॉपिक में से एक है, जो कि है करोल बाग। ठीक है, अब बहुत लोग बोलेंगे भाई तुम्हारे चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे थे इसलिए करोल बाग की वीडियो बना रहे। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और हम लोग वैसा कुछ बात भी नहीं करेंगे इस बार। ना ही हम लोग बाइक्स के बारे में बात करने वाले हैं, ना ही बाइक्स बेचने वालों के बात करने वाले हैं, और ना ही बाइक्स से रिलेटेड बात करने वाले हैं। इस बार हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से गाड़ी के जो एक्सेसरीज वाले लोग होते हैं आपको किस तरीके से स्कैम करते हैं और क्या फालतू चीजें लगा के देते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं कि अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पर चप्पल मारो, जूते मारो या कुछ और मारो, लेकिन उसको लाल से ग्रे कर दो। और वो घंटी भी दबा देना बगल वाली, वरना तुम्हें नोटिफिकेशन नहीं जाती है, फिर व्यूज नहीं आते यहाँ पर। यार क्या यार, मतलब 7,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं हमारे, लेकिन व्यूज देखो जरा 300-400। इसीलिए तो मन नहीं करता वीडियो बनाने का, बाकी काम वाम तो बहाना है, ऐसा कुछ नहीं है। खैर, आते हैं मेन मुद्दे पर, वो है कि फालतू की एक्सेसरीज लेकर लगाकर लोग किस तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं। जो लो मॉडल कार्स हैं, जो लो वेरिएंट कार्स हैं, उनको हाई वेरिएंट कार्स में फालतू में अपग्रेड करने का क्या स्कैम चल रहा है। और इसमें जो अपने वो AKA जो है ना, वो टॉप पे चल रहे हैं। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट तुम लोग समझ गए किसकी बात कर रहा हूं मैं। जो मॉडिफिकेशंस के नाम पे सिर्फ कार स्टीरियो सिस्टम्स दिखाते हैं और कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं दिखाते तमीज की। देखो, एक तरफ है हुवीज गराज, तवारिश, द कार ट्रैक, ये टाइप के लोग, जो लोग मॉडिफिकेशन के नाम पर लिटरली गाड़ी का चीतरा चीतरा अलग करके और उसे मॉडिफाई करते हैं। और हमारे यहाँ मॉडिफिकेशन के नाम पे क्या आता है, टेस्ला वाला म्यूजिक सिस्टम इन क्रेटा, टेस्ला वाला म्यूजिक सिस्टम इन लैंड रोवर। चूतिया कस्टमर होते हैं ये, जो लैंड रोवर के अंदर में ऐसी घटिया चीजें लगवाते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। दैट्स वाई वी कॉल इट मनी कांट बाय क्लास एंड इंटेलिजेंस। खैर, उसका जीता जाता एग्जाम्पल तुम जानते हो। हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, बैक अगेन विद अनदर वीडियो। खैर जो भी हो, तुम समझ गए। तो यहां पर मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि ये जो शॉप्स वाले हैं कैसी चीजें प्रोवाइड करते हैं और इन चीजों की आपको एक्चुअल में कोई जरूरत नहीं है। देखो भाई, सीधी सी बात है, अगर तुम ये सोच के कार ले रहे हो ना, मान लो मैं स्विफ्ट का एक एग्जांपल लेता हूं, LDI इज द डीजल वर्जन, बेस वर्जन। LDI जो है वो डीजल का बेस वर्जन है, सॉरी वेरियंट है, और LXi जो है वो पेट्रोल का वेस्ट, सॉरी वेस्ट, खैर वो तो वेस्ट तो पूरी कंपनी है एज पर वो क्या कहते हैं उसे, सेफ्टी के उस पर देखे तो LXi जो है वो पेट्रोल का जो है वो बेस वेरिएंट है। तो लोग क्या करते हैं, LXi और LDI उठाते हैं और 40-50 हज़ार रुपये दे के, 1 लाख रुपये दे के उसे काइंड ऑफ कन्वर्ट कर देते हैं ZDI प्लस में। ZDI प्लस में तो ऑफकोर्स नहीं हो सकता, बट ZDI में या ZXi में या VDI में या VXi में, डिपेंड करता है उनके बजट के ऊपर। अब देखो, इनमें दो तरीके के स्कैम्स होते हैं। लोगों को एकदम चीप चिरकुट क्वालिटी का चाइनीज प्रोडक्ट पकड़वा देना ताइवान बोल के, या तो फिर उनसे ज्यादा पैसे ऐट लेना सेम प्रोडक्ट्स पर। दोनों चीजें होती है, डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े चूतिए हो। अगर आप इतने बड़े चूतिए हो कि आपको चाइनीज प्रोडक्ट ताइवान बोल के पकड़ाया जा रहा है, तो आप आराम से बन जाओगे। उसके बगैर आप उससे भी ज्यादा बड़े वाले चूतिए हो, तो आपको वही प्रोडक्ट और महंगे में पकड़ा दिया जाएगा। और अगर आप उससे भी भयानक लेवल के चूतिए हो, तो आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स जो है वो फेक पकड़ा दिए जाएंगे, जैसे पायनियर वगैरह के हेड यूनिट्स, कंपोनेंट्स, स्पीकर्स, ये वो सो मिलता है। पहली बात तो मैं एक चीज मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा, पुट योर मनी इन राइट प्लेस, सही जगहों पर पैसा डाले। ये म्यूजिक सिस्टम विस्टम अपग्रेड करके ना कुछ मतलब नहीं है, इससे बढ़िया घर में एक अच्छा म्यूजिक सिस्टम लगा लो 50-40 हज़ार रुपए में ना, इतना तगड़ा म्यूजिक सिस्टम आ जाएगा, सोनी का बुम बुम बजेगा पूरा मोहल्ला। और ये गाड़ी में ला के तुम करी क्या लोगे, दिन भर गाड़ी में जाके तो बैठते नहीं हो, जो म्यूजिक सिस्टम आया। हाँ, अगर बहुत आउटडेटेड हो गया है, जैसे बहुत लोगों को पता होगा कि तुम्हारे भाई ने अभी रिसेंटली एक नई कार ली है, माई फर्स्ट कार ऑफकोर्स, तो उसमें जो है स्टीरियो जो है वो कंपनी फिटेड है, बहुत ज्यादा अच्छा है। और उसमें मैं चाहूं और चाहता
तो उसमें टच स्क्रीन ये वो सो लगा लेता, लेकिन वो लोला लसन मैंने किया नहीं है। वहां पर सिंपल सा एक ब्लूटूथ रिसीवर लगा दिया है, बात खत्म, सिंपल एज दैट। तुम्हें जरूरत नहीं है भाई टैबलेट लगाने की अपने उसमें गाड़ी में, 50,000 40,000 बहुत सारे ब्रांड्स है भाई। और एक चीज मैं बता दूं, अगर तुम्हें चाहिए भी ना, पायनियर, कैनवुड और भी बहुत सारे रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं जिनके आते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करो और अच्छी प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट को खरीदो। ये फालतू के प्रोडक्ट, ये 2-2 GB RAM 16 GB इंटरनल, भाई वो पुराने लेनोवो के टैब्स को ना कन्वर्ट करके वो बना के तुम्हें बेच रहे, 5,000-5,000 के टैब तुम्हें 40,000 रुपये का कोई बेच रहा और तुम खुशी में ले भी जा रहे हो। 5,000-6,000 रुपये मार्केट वैल्यू उन चीज़ों की, वो पुराना कचड़ा है। ये तो वही बात हो गई बायजूस वाले जो टैब पैक करके बेच देते हैं, खैर उनका तो अलग ही स्कैम होता है, बट हाँ ये भी वही बात हो गई कि एक टैब उठाया, उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया और उसको बस लगा दिया तुम्हारी गाड़ी में और तुम्हारा चूतिया बना दिया, डबल डिन है, ये है वो है, कुछ नहीं होता भाई। सब कुछ सिर्फ सॉफ्टवेयर लेवल पे थोड़ा बहुत ये लोग चेंज करते हैं और फालतू चीजें पकड़ा देते हैं तुम्हें। अगर तुम्हें लेना ही है ना तो पायनियर्स के बहुत सबसे बढ़िया, अगर साउंड के लिए तुम्हें अपग्रेड करना है गो फॉर पायनियर, या तो फिर अभी तो मैं सच बताऊं तो गाड़ी जो है कंपनी से आ रही है तो उसी में बहुत ज्यादा अच्छा आउटपुट, भाई बहुत ज्यादा शौकीन हो ना तभी मैं कह रहा हूँ पायनियर के लिए जाओ, और उसमें भी एंड्रॉइड यूनिट्स आते हैं, बट हाँ वहां पर पैसे देने पड़ेंगे। अभी 10,000-12,000 में तो काम हो नहीं जाएगा, 30,000-40,000-45,000 रुपये देने पड़ेंगे, बट दैट इज वर्थ, थोड़ा सेव कर लो और खरीद लो जाके, 20-25,000 रुपये का भी आता है। और एक और चीज भाई, बच के रहना, पायनियर में भी आजकल फेक काफी आने लगा है, बट उसका जो वो रेडियम वाला स्टिकर होता है, रेडियम टाइप सॉरी रेनबो टाइप वाला जो ऑथेंटिकेशन वाला स्टिकर होता है वो चेक कर लेना, और मॉडल मॉडल नेम डाल के एक बार उनकी वेबसाइट पर चेक कर लेना कि आ रहा है नहीं आ रहा है, या गूगल पे मॉडल नेम डाल के चेक करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। दूसरा जो फालतू चीज मुझे फालतू एक्सेसरी लगती है वो लगता है भाई तुम्हारा एम्बियंट लाइटिंग, वो चूतिए की तरह तो तुम करा लेते हो, वो जो बसों में कराते थे ना पहले ना लोग, वो एलईडी की पट्टियां, उसको सिर्फ एक ट्यूब में डाल दिया है और उसमें एक कंट्रोलिंग मॉड्यूल लगा दिया और एक वो सस्ता वाला रिमोट पकड़ा दिया है तुम्हें जो 2000s के टाइम में स्टीरियोज में आता था, और तुम्हें एम्बिएंट लाइटिंग कह रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है वो एस क्लास वाला एम्बिएंट लाइटिंग है, 64 कलर्स में से तुम चेक करके और सेलेक्ट करके वो जलाओगे? भाई वो 6 महीने भी नहीं चलेगा तुम्हारा। और क्यों क्यों चाहिए भाई एम्बिएंट लाइटिंग, मैं समझा भी किसे रहा हूँ यार जिन्हें स्टोरियाँ बनानी होती है गाड़ियों में बैठ के, कोई खैर कोई नहीं, तुम्हारी मर्जी, तुम एम्बिएंट लाइटिंग लगाओ, तुम डिस्को लाइटिंग लगाओ, तुम फोकस लेजर प्रोजेक्शन जो लगाना है लगाओ, तुम्हारी मर्जी। अब जो इससे भी ज़्यादा मेरे को फालतू चीज़ लगती है वो लगता है भाई ये फालतू के मैट वैट, अरे जो कंपनी ने दिया है उसके ऊपर से एक प्लास्टिक वाली डाल लो बात खत्म। अभी ये 7D 8D और ज़रूरत नहीं है फिर भी डैम्पिंग करा रहे हो तुम लोग, मतलब डोर्स वगैरह की, क्यों क्यों भाई क्यों, पैसा अपना पैसा बर्बाद करने में मज़ा आता है क्या? और ये लोग भी मतलब ये यूट्यूबर्स वगैरह भी बहुत ऐसे प्रमोट किए जा रहे हैं, और मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है जितना अच्छा ये वीडियो में दिखते हैं ना इतने अच्छे रियल लाइफ में नहीं होते, और जिनको मेरी बातों पर शक है एक बार जाके ना हिडन कैम बिना बताए सामने वाले को कि तुम शूट कर रहे हो तुम देख लेना, तुम्हें खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उसके बाद है कि बिना बात के फालतू के व्हील्स, जरूरत है तुम्हें अलॉय व्हील की? पहले पूछो यार, पहले देखो कि तुम्हें सच में इस चीज की जरूरत है, सिर्फ वीडियो देख के और ट्रिगर होके, या वीडियो देख के अच्छा उसने कराया तो मैं भी कराऊंगा। अपने अपने हिसाब से गाड़ी क्या मतलब मॉडिफिकेशन क्या होता है, अपने हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से टेस्टफुली उसको मॉडिफाई करना, ना कि देख लिया तो जबरदस्ती। अगर मेरे पास पोलो है तो भाई मेरे को वो क्या कहते हैं प्रोजेक्टर लाइट चाहिए, वो ऑडी टाइप मर्सिडीज टाइप लाइट चाहिए, अरे फॉक्सवैगन की ही कंपनी ऑडी, क्या क्या मतलब ओरिजिनैलिटी खत्म करनी है कार की। अब मेरे पास जो कार है उसमें मैं बोलूँ कि मैं पीछे BMW स्टाइल लाइट्स लगाऊंगा, LED उसके लिए अगर कोई आती है तो मैं जाऊंगा, लेकिन अब मैं किसी और कंपनी से इंस्पायर्ड वाली लाइट्स तो नहीं लगाना चाहूंगा। और जरूरत से ज्यादा बड़े व्हील्स मत लगाया करो, तुम्हारे हब्स की घांड मर जानी है, मैं बता रहा हूँ, तुम्हारी राइड क्वालिटी घटिया हो जानी है, शोबाजी करना है भाई, सरकार ता साड़ी अपनी है, ये सब करना है तो अलग बात है, फिर तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। 10 लाख की गाड़ी पर 20 लाख का ऑडियो सिस्टम लगाओगे तभी तुम्हें कुछ समझ आएगा, बाकी तो खैर मैं क्या बोल सकता हूँ, ये सारे राइसर मॉड्स हैं। अगर सही में मॉड करना ही है, मेरे को ये चीज़ बुरा लगता है कि कार कम्युनिटी किस तरफ जा रही है इंडिया की, जो कि अच्छी होनी चाहिए, और हम लोग किस तरफ लेके जा रहे हैं कार कम्युनिटी को। ये सब मॉडिफिकेशंस नहीं आती भाई, इन सबको मॉडिफिकेशंस में नहीं गिना जाता, ये सब चुटिया पे हैं, ये काम की चीज़ें कोई भी नहीं। परफॉर्मेंस अपग्रेड्स पे बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, 2-3 ट्यूनर्स हैं, 3-4 ट्यूनर्स हैं रिप्यूटेड कंपनी में, 3-4 लोग होंगे, 5 लोग, एक तो अपने सबसे बड़े जो सबसे अच्छा जिसको मैं मानता हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट हॉर्स पार कार्टल, उस बेचारे बंदे के सब्सक्राइबर नहीं है, वही मेरा हाल हो रखा है थोड़ा सा,
कब से बंदा मतलब वीडियो बना रहा है 20-25 हजार सब, क्या बोलू तुम्हें, वही है तुम्हें हाइपरसोनिक के सिस्टम देखने, उनके एक एक मिलियन कराओगे तुम। छोड़ो यार मुझे कुछ नहीं बोलना है, मतलब क्या बोलूँ, इन्हें ये नहीं पता कि BMW की जो एम कार्स आती हैं, प्रॉपर एम कार्स आती है, उनका जो एम्बलम होता है वो भी अलग होता है, और ये लोग कन्वर्जन किट डाल के बोलते हैं कि मेरी तो ये एम है, तो इन्हें क्या ही समझाना। खैर ये थी वीडियो, अगर थोड़ा भी कुछ समझ में आया हो भाई, थोड़ा भी मतलब अच्छा लगा हो, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और कमेंट करके ज़रूर बताओ। वैसे मुझे पता है कि इस वीडियो पे व्यूज़ नहीं आने वाले, तो कमेंट तो किसी का आएगा नहीं, 4-5 कमेंट आते हैं, वो तो रेगुलर वाले सब्सक्राइबर हो गए, अपने रेगुलर वाले भाई हैं जो जिनसे भाईचारा चलता है, उन लोगों के अलावा किसी का कमेंट आएगा नहीं। पर अगर व्यूज़ आ जाते हैं तो इस वीडियो पे कमेंट करके बताओ कि आगे मैं किन चीज़ों पे वीडियोस बनाऊं, और कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत रेगुलर रहने की। बाकी कैश यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, दिस समथिंग साइन।